हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं इंडी ब्लॉगर सैम और आप सबको मेरे ब्लॉगिंग चैनल में वेरी 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 वेलकम। आज मैं एक ब्लॉगिंग शेयर करूंगा आपसे, लेकिन ये ब्लॉगिंग एक्चुअली कल का है, मतलब होली का है। वो कल तो टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि कल पूरा दिन रात मैं और मेरा बीवी और मेरा ऑजी तीनों बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही बिजी थे। इन्जॉयमेंट इन द सेंस, मेरा तो इन्जॉयमेंट खाना वाना, सिर्फ खाना पीना चाहिए मुझे। तो कल हम कुछ रेसिपी भी बनाए, इसमें बहुत ही नॉमिनल कुछ मसाला, मतलब बहुत सारा एक्स्ट्रा जो हम लोग पाउडर यूज़ करते हैं एंड ऑल, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ जो बहुत ही नॉमिनल जो दिया जाता है, मतलब बेसिक थिंग्स है, जो बेसिक मसाला वही देकर हम बनाए हैं। और सच बोलूँ तो मतलब उसका जो टेस्ट आया था, मतलब ऑसम ऑसम। ओरिजिनल जो मटन का इन बिल्ड जो फ्लेवर है, वो फ्लेवर एक्स्ट्रैक्ट होकर जो उसमें से एरोमा जो स्मेल आ रहा था, उफ, मतलब माइंड बॉगलिंग बॉगलिंग था। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ आज कल वाला वीडियो कैसा है, वो भी दिखा देते हैं, देख लीजिए रेसिपी। मैं किचन में आ गया हूँ। अभी ये जो हम बोल रहे थे कि होली स्पेशल आज एक मटन रेसिपी बनाएंगे, इसलिए हम लोग छोटे से घर में हम लोग यही होता था होली के दिन। ये 500 का मटन लिया हूँ मैं। इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए आप देख सकते हैं, ऑनियन है, ये है आपका रेड चिली पाउडर, टोमेटो, गार्लिक, जिंजर, ये है ग्रीन चिली, यहाँ पे है आपका घी, ऑयल, टर्मरिक पाउडर, बे लीफ, और ये पोटैटो लिया हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये सेमी ग्रेवी टाइप का करी बनाऊंगा। तो अभी ये इस सब का पेस्ट बना के सिर्फ एक ऑनियन छोड़ दूंगा। ये ऑनियन जो जस्ट जिस टाइम में मतलब ये कुकिंग स्टार्ट करूंगा उस टाइम में इसको जुलियन कट करके दूंगा, ठीक है। तो ये इसके बाद मैं इसके ऊपर में, मतलब ये मटन के ऊपर में मैं ये जो पेस्ट है, पेस्ट बना के मैं इसमें मैरिनेट करूँगा, और मैरिनेट करके इसमें आधा घंटा मैरिनेट होने के बाद छोड़ दूंगा इसको, ठीक है। आधा घंटे के बाद फिर मैं इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैरिनेट करके। तो देखिए मेरा ये जो मैं पेस्ट बनाने वाला था, वो ऑनियन, टोमेटो, गार्लिक, ग्रीन चिली एंड जिंजर का वो पेस्ट मेरा रेडी हो गया है। अब ये पेस्ट मैं ये मटन के ऊपर डालूंगा। अभी मैं, अब देखिए मैं इसमें क्या क्या मसाला देता हूँ। इसमें कुछ मसाला जाता ही नहीं है, सिर्फ एक ये चिली पाउडर, बस ये थोड़ा चिली पाउडर मैं दे दिया। और इसमें मैं दूंगा अभी टर्मरिक पाउडर, और इसमें मैं दूंगा थोड़ा सा शुगर, 1 टेबल स्पून शुगर, अब इसमें मैं दूंगा एक बे लीफ्स, ये छोटा है बोल के मैं इसके साथ और एक दूंगा, कुछ नहीं जाता है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चीज, ये हमेशा घर में अवेलेबल ही रहता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल दूंगा भाई, मैं एकदम देसी स्टाइल से बनाता हूँ। फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स एंड माय वेल विशर्स, अभी मैं ये इसको मैं मैरिनेट करूँगा, और मैरिनेट करने के लिए जो जो मैं सामान दिया हूँ अच्छे से मैं पहले इसमें लगा दूँगा, ठीक है। फिर मैं इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दूँगा मैरिनेट होने के लिए। ये ना अंदर ही अंदर थोड़ा सा, जैसे टोमेटो दिया हुआ है तो उसमें तो थोड़ा जो इसके थोड़ा वो खट्टापन के लिए ये थोड़ा ढीला होगा, जो मीट पीस है सब ढीला होगा थोड़ा। अब मैं इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दूंगा, और यहाँ पे देख सकते हैं पोटैटो जो है, पोटैटो को मैं थोड़ा टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट दे के ऐसे थोड़ा रखा हूँ, इसको थोड़ा मतलब फ्राई करना है, तो बाद में इसको फ्राई करेंगे जब तब दिखाएंगे। चलिए फिलहाल इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देते हैं।
इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर जितना है, डीप फ्रिज में नहीं, ऐसा नॉर्मल वाला जगह में। स्टोव ऑन कर लिया हूँ मैं, ऑन करके कढ़ाई भी ले चढ़ा दिया हूँ। अब इसमें थोड़ा मैं सरसों का ऑयल, क्योंकि वो पराठे को फ्राई करना है, थोड़ा ज़्यादा ये देखिए मेरा पोटैटो फ्राई डन, एकदम चारों पोटैटो को अच्छे से फ्राई कर लिया हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 70% कुक्ड है। और अभी राइस को चढ़ा दिया हूँ, अब राइस होना स्टार्ट हो जाएगा। डन हो गया, ये 70% डन हुआ है। अब मैं इसको उतार के 5 मिनट ढक के रख दूँगा। ये मैं होल गरम मसाला जो होता है वो बोला दूँगा अभी इसमें, सिनेमन और कार्डमम, और ये हो गया क्लोव। देखिए पूरा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें वो जुलियन कटिंग ऑनियन दे दूँगा। अब इसमें मैं थोड़ा शुगर दे दूँगा, शुगर देने से इसमें शुगर का जो कैरमलाइज्ड होने के बाद जो कलर आता है देखने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। देखिए ऑनियन कलर हो रहा है। एक्चुअली ये जो पकवान है इसमें ना मसाला एकदम नहीं रहता, मतलब एकदम सादा होता है, और इसमें ओरिजिनल जो मटन का टेस्ट है, जो फ्लेवर है वो मिलता है। और ये बिना मसाला का है इसलिए भी क्योंकि बच्चे लोग सब एक साथ हम लोग खाते थे होली के दिन घर में, तो घर में जब भी कुछ तो अच्छा वाला दिन होता है, दुर्गा पूजा का नवमी हो या होली हो, कुछ भी हो, तो मटन तो होना ही है। देखिए ऑनियन पूरा एकदम अच्छे से फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें मेरा मैरिनेट किया हुआ मटन दे के थोड़ा सा इसमें लथपथ लथपथ कर दूंगा। देखिए तो देख सकते हैं मैं मटन पूरा दे दिया हूँ अभी। अब मैं इसमें इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा जब तक ना ये अपने से एक ऑयल छोड़ता है, वो ऑयल जब तक ना छोड़ेगा तब तक मैं ऐसे करके इसको रख दूंगा। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके हिलाऊंगा ताकि नीचे लग ना जाए, ठीक है। चलिए इसको पकाते हैं, तब तक आप लोग वेट कीजिए। फ्रेंड्स एक चीज़ तो मैं मिलाना भूल ही गया था, वो है नमक, वही तो मेन टेस्ट लाएगा ना। तो अभी मैं 50% दूंगा, जितना चाहिए उससे 50% मैं अभी दूंगा, और बाकी 50% मैं जब इसमें मतलब लास्ट टाइम फिनिशिंग टाइम में दूंगा। ये हो गया अभी, बाकी 50% में बाद में दूंगा। देखिए अभी इस मसाले से अभी ऑयल छोड़ रहा है ये, इसको थोड़ा पकड़िए तो हाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑयल छोड़ रहा है, मतलब ये मसाला पूरा अच्छे से फ्राई हो गया है। मटन 30% जैसा कुक हो चुका है, अब इसको मैं क्या करूँगा, ये पूरा मसाले को विथ मटन हम प्रेशर में दे देंगे, उसमें थोड़ा मतलब सोच लीजिए और 50% पकाएंगे, मतलब 80% पकना हो जाएगा, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी दे के मतलब जब तक वो 4-5 सीटी ना फेंक दे तब तक उसको हम रख देंगे ओवन के ऊपर में, ठीक है। चलिए अभी दिखाते हैं, देखिए इसमें ये जो फैट्स है कैसा गल रहा है, ये इसी में तो टेस्ट है। मस्टर्ड ऑयल दे दूँगा, देने के बाद वो जो मटन मैं थोड़ा सा मतलब वो जो फ्राई हो गया है उसको मैं इसमें दे के थोड़ा सा वार्म वाटर, मतलब ताकि बाकी जो 60% जो होना है वो वाला हो जाए, उसके बाद मैं उसको देखिए मटन का कलर क्या आया है। माय गुडनेस, यही तो चाहिए था मुझे। चलिए मैं मटन इसमें दे देता हूँ, गर्म हो चुका है। देखिए मैं वो वार्म वाटर दे दिया हूँ इसमें, अब मैं इसमें ये ढक इसका जो ऊपर वाला ढकना होता है ढकना लगा दूंगा और 4-5 सीटी तक वेट करूंगा, उसके बाद आपको फिर से दिखाऊंगा कि ये पक गया है और मैं खाने के लिए जा रहा हूँ तभी दिखाऊंगा। ये 4 सीटी हो गया था, 4 सीटी होने के बाद मैं इसको ओपन किया हूँ। ये देखिए मटन जो है वो लगभग 60-70% तक हो गया है, ठीक है, 60-70% तक हो गया है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, पोटैटो फ्राई किया हुआ जो है वो वाला इसमें दूंगा,
गया। अब मैं दूंगा इसमें कार्डमम और ब्लैक पेपर को एक साथ डस्ट बनाया गया है। जितना भी मतलब छोटा छोटा मसाला गया है सब एकदम हाथ का बनाया हुआ है। आहा क्या स्मेल आ रहा है। काश मैं YouTube में ये स्मेल जो है ये भी दिखा पाता या आप लोगों को थोड़ा स्मेल भेज पाता। अब इसमें मैं थोड़ा सा शाही गरम मसाला पानी टपक रहा है मेरा, इसलिए थोड़ा दूर खड़ा हूँ ताकि जो ग्रेवी है ग्रेवी में ना टपक जाए। अब इसको मैं ढाक दूंगा इसका कवर से, फिर इसको 3 सीटी तक वेट करूंगा। ये मैं हूँ, ये मेरा मटन है और ये काम कर रही है। मेरा लंच रेडी। ये देखिए मटन का प्रिपरेशन। अब मैं जा रहा हूँ लंच करने, तब तक के लिए टाटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑलवेज बी विथ मी, ऑलवेज सपोर्ट मी, दिस इज माई रिक्वेस्ट। एंड प्लीज 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 ये वाला रेसिपी आप बनाइएगा, बना के खा के उसके बाद आप मुझे कमेंट भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज राइट नाउ कोरोना वायरस ये फिर से रिटर्न हो चुका है, फैल रहा है। सो जो जो प्रिकॉशन चीज़ है वो ज़रूर मेंटेन कीजिए, लाइक मास्क, हैंड सैनिटाइज़र एंड कीप सोशल डिस्टेंसिंग। बहुत इमरजेंसी ना आए तो आप घर से ना निकले, इमरजेंसी पर्पस हो तो घर से निकले, अगर हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादातर घर में ही रहिए। और घर में जो भी आपका मतलब छोटा बच्चा है या कोई भी अगर सीनियर सिटीज़न है उनको भी अच्छे से केयर करके रखिए। और हमेशा विदाउट एनी फेल जितना बार हो सके आप हाथ धोइए, और हाथ धोने के बाद अपने हाथ को हैंड सैनिटाइजर से प्रॉपरली सैनिटाइज कीजिए, ठीक है। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड प्लीज कीप सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।